हेलो गाइस, मैं पंकज मीणा और जैसे कि आप देख सकते हो आज आपके सामने खड़ी है टोयोटा का नया प्रोडक्ट। टोयोटा ने बहुत टाइम बाद मतलब कुछ कई सालों बाद एक अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च किया है, नया बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म, सब कुछ अलग है इसका। इसका नाम है अर्बन क्रूजर हाई राइडर। तो आप सब देख सकते हो गाड़ी का आगे से लुक कैसा है, बहुत शानदार लुक दिखाई दे रहा है गाड़ी के ऊपर जिसके DRLs है और सामने जो टोयोटा का लोगो। गाड़ी का अभी तक तो कोई मेरे को लग नहीं रहा कोई तोड़ है, क्योंकि इस जो जिस प्राइस रेंज में आती है उसको टारगेट करती है किया सेल्टोस, फॉक्स वैगन की टिगुआन और क्रेटा और जो सेगमेंट की सब 4 मीटर वाली गाड़ियाँ उन सबको टारगेट करती है, उसका मेन कॉम्पिटिशन उन्हीं गाड़ियों से है। तो मुझे लग रहा है भाई कहीं ना कहीं ये गाड़ी उनसे एक लेवल जस्ट ऊपर है, क्योंकि ये बिल्कुल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में है जिसमें आपका 60 मतलब सिटी में कम से कम नहीं तो 60% फ्यूल बचेगा और हाईवे में नहीं तो 40% की फ्यूल सेविंग होगी। और तो भाई हाईवे पे जैसे कि मैं बता रहा था हाईवे पे 40% फ्यूल सेव करेगी और सिटी में 60% फ्यूल सेव करेगी। और इसमें ऐसा वैसा कोई सिस्टम नहीं है कि जैसे कि वो चार्ज किया तो डिस होगी, इसमें यह है कि जब आप ब्रेक लगाओगे या एक्सेलरेट जब डी एक्सेलरेट करते हो तो रेस छोड़ते हो गाड़ी बिना उसके लुढ़कती रहती है तब चार्ज होगी। और इसका जो रिवर्स मोड है वो डिफॉल्ट बैटरी पर ही रहेगा, मतलब रिवर्स ये खाली बैटरी पर ही होनी है और जब चलेगी जब ये अपने मतलब खुद भी रीजनरेशन पावर या पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं ढलाई पे तो अपनी गाड़ी अपना आप चार्ज होगी। और जब बोनट खुली गया तो उसके इंजन की बात कर लेते हैं, लगे आते हैं इंजन 1.5 लीटर का इंजन है, दो इंजन है, एक अपना जो मारुति बनाती है और एक दूसरा में टोयोटा बनाती है। टोयोटा वाली 116 PS की पावर और टॉर्क मेरे को पता नहीं इसमें मेंशन यहां पे आ जाएगा। और दूसरा है जो मारुति बनाती है उसमें 102 PS की पावर, इसमें भाई 135 Nm का टॉर्क मिलता है जो आपको मारुति वाला है, टोयोटा का मैं मेंशन कर दूंगा। तो आप जैसे देख सकते हो भाई इसके DRL ऐसे हैं और इसी के अंदर इंडिकेटर हैं, जैसे कि आप दिखाई दो लाइन दिखाई दे रही है ऊपर वाली नीचे वाली, जो जो DRL है दोनों ही है और इंडिकेटर भी दोनों ही है और जलते हुए वास्तव में हकीकत में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और नीचे की लाइट का थ्रो देख सकते हो कितना शानदार थ्रो थे, बिल्कुल HID की तरह, HID मतलब है तो LED पर थ्रो ऐसा लग रहा है, HID लो बीम कर दी, हाई बीम लो बीम दोनों इसी के अंदर ही है, देख सकते हो आपको कुछ भी दिखाई दे रहा अंधा कर देगी रात में ये। तो जैसे कि देख सकते हो इसमें आपको पूरा आगे जो उसकी ग्रिप मिलती है, एक तो थोड़ी मस्कुलर ग्रिल है, गिलरी ऐसी लगी भारी भारी सी। और इसमें जैसे आगे देखते आपका 360 कैमरा आपके सामने ही रहा और यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट लगेगी और सामने इसके नीचे रेडिएटर है और ये पूरा प्लास्टिक है पर एक कार्बन फाइबर जैसा कुछ फिनिशिंग दे रखी है, तो गाड़ी बड़ी शानदार लग रही है। वाइपर आपको नॉर्मल सिंपल वाले मिलते हैं और DRL जो मैं दिखा देखो इंडिकेटर, देखो इंडिकेटर प्लस DRL इसी के अंदर दोनों है, ऊपर नीचे दोनों तरफ चलते हैं। जैसे साइड में आएंगे साइड में आते आपको उसके जस्ट पीछे देखो टायर साइज एलॉय व्हील देखो कितना शानदार लग रहा है, फॉर्च्यूनर से इंस्पायर एलॉय व्हील है, अपोलो के टायर लगे हुए हैं, टायर साइज 215/60/17 है, आगे डिस्क मिलेंगे और 5 नट है इसके अंदर 1 2 3 4 5 और सस्पेंशन देखो कितना शानदार है। तो आपको डोर पे हाइब्रिड की बैजिंग मिलेगी और जैसे कि साइड के ORVM है और ORVM पे इंडिकेटर है और आपका आपके आगे कुछ रेन सेंसर मिलते हैं, सॉरी रेन वाइपर सेंसर मिलते हैं और ये वाइपर और वाइपर के वॉशर सामने है, बोनट काफ़ी बॉडी मजबूत है और आपको डोर पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, यहीं से आप डोर को ओपन कर सकते हो और गाड़ी का नॉर्मल पैन भी है, क्योंकि गाड़ी के इंडिकेटर और रिवर्स लाइट और रिफ्लेक्टर वो आपको तीनों यहाँ मिलेंगे। ये इंडिकेटर है, ये रिवर्स लाइट है, रिफ्लेक्टर है और उसके ऐसे कुछ बूट स्पेस है, बूट स्पेस भी दिखाता हूँ आपको। और साइड से देखो पीछे रियर पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर है, टायर की चौड़ाई देखो अच्छी खासी चौड़ाई है और ये इसका एग्जॉस्ट हो गया और नीचे आपको स्पेयर भी नीचे मिलता है जैसे कि देख सकते हो। तो जैसे कि आप इसका भाई रियल लुक देख सकते हो, रियल लुक कितना शानदार है, जो टेल लाइट है वो पूरी LED है और LED में जो उसका यू जो शीशे बने हुए हैं ना इतनी शानदार लग रही है, उसका ये बूट स्पेस इसमें आपको यहीं पे रिवर्स कैमरा ही मिलेगा, शीशे के रिवर्स सेंसर है और इसका बूट स्पेस में ये इसका बूट स्पेस है, बूट स्पेस के अंदर काफ़ी स्पेस है, उसकी बैटरी इसके अंदर रखी हुई है, इसकी बैटरी यहाँ पर रखी हुई है, इसके नीचे बैटरी है इसकी जो उसका आपको पावर अप्लाई करेगी। तो भाई इसका रियल लुक देखो, रियल लुक कितना शानदार लग रहा है। जो गाइस जो अभी हाई राइडर देख रहे हो ये टॉप मॉडल है, टॉप इससे ऊपर कुछ नहीं आता, आप साइड से लुक देख सकते हो कितना शानदार लुक लग रहा है, मैं तो भाई फिदा हो गया इस गाड़ी के ऊपर, मतलब जिस प्राइस रेंज में लॉन्च करी है ना उस प्राइस में गाड़ी बहुत अच्छी है, मतलब मैं बता रहा हूँ हकीकत बता रहा हूँ मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है देखने में। और जैसे कि आप देख सकते हो यहीं से इसका फ्यूल लेड है, आप यहीं से इसमें फ्यूल भरा सकते हो, ये शायद अंदर से खुलता है और पीछे भी आपको इसमें रियर डिस्क मिलेंगे और पीछे का टायर भी सेम साइज़ है और गेट की मतलब लग नहीं रही है मारुति वाली गाड़ी, इसकी बॉडी जो दरवाजे खोल के फील आ रहा है ना, और इसके अंदर का कुछ देख सकते हो ऐसे कुछ इंटीरियर है, डोर पे आपको लेदर फिनिशिंग और स्टेटिंग मिलेगी और यहीं से आपकी पावर विंडो ऑपरेट होगी। और अंदर गाड़ी में देखते हैं अंदर क्या क्या है, तो अंदर सीट बड़ी शानदार है, अंदर बैठ ही जाते हैं, इसमें बैठने के बाद जैसे डोर है इसको डोर को बंद करा थर्ड साउंड दिखी जाओगी कितनी शानदार है। तो गाइस इसमें पीछे आपको AC वेंट मिल जाएंगे, सिंगल AC वेंट है, आपको इसमें चार्जर मिलता है, इसमें सर ये USB है
और दोनों USB एक सी टाइप दोनों दे रखे हैं। ये बढ़िया चीज़ है, तो हर कंपनी को देनी चाहिए दो चीज़ में। और यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी मिलता है और तीन हेड रेस्ट है, तीनों आप एडजस्ट कर सकते हो पूरे पूरे। और इस पर आप हाथ रख के कहीं लंबे सफर पे घूमने जा सकते हो। और आपको ये ऊपर मिलती है सनरूफ इतनी बड़ी नहीं बोलूँगा मैं, क्रेटा की समझ लग रहा है इससे बड़ी है शायद, कन्फर्म नहीं बता सकता, पर हाँ गाड़ी की थोड़ी सनरूफ थोड़ी छोटी है। आपको ये हैंडल मिलते हैं, ये सॉफ्ट क्लोज वाले हैं। और यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी, हैलोजन ही है येलो कलर की और कुछ नहीं है। और जैसे कि ये आर्म रेस्ट मिलता है, सामने का डैशबोर्ड और जब आप अंदर गाड़ी में बैठोगे दरवाजा खोलोगे इसमें यहाँ पे लाइट भी चलती है। देखो अंदर छोटी सी लाइट चल रही है, एल्यूमिनेटेड है और आपको ऐसे कुछ वो एम्बिएंट लाइट तो नहीं मिलती। और दरवाजा खोलने में काफ़ी हैवी है और शायद ना आपको डोर पॉकेट के साथ यहाँ पे बोतल रखने का मिलेगा। स्पीकर है यहाँ पकड़ने का अच्छी खासी है और उतरने में भी इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो भाई ये है 1.5 लीटर का टोयोटा का हाइब्रिड इंजन, जिसमें आपको यहाँ से अपना अपना ऑयल ब्रेक ऑयल डालोगे, ये अपना ABS का है और ये अपना कूलेंट है और ये अपने वाइपर का, इसमें अपन पानी डालेंगे और ये अपना बॉडी कवर है देख लेंगे। और जैसे नीचे इसमें इंजन कवर भी दे रखा है और सामने जैसे कि अपना ये बैटरी बॉक्स यहाँ पे हो गया, फ्यूज बॉक्स भी है, मतलब ओवरऑल में ठीक है। मतलब इसका कोई कवर ववर नहीं है, मतलब ओपन दिखाई देगा इसका, मतलब जैसे इंजन कवर आता है वो नहीं है इसके अंदर। और अपने सबसे शानदार मुझे इसके इंडिकेटर लगे और ये अपने जो इंडिकेटर मैंने जो हैजार्ड लाइट ऑन रखी है ना, इसकी बहुत शानदार लुक दे रही है। जो इसमें जो क्रिस्टल जो बारीक बारीक बनी हुई जो क्रिस्टल बनी हुई है ना भाई, इसका अलग ही तोड़ है, अलग ही चमक रही है ये वाली। आपको राइट साइड में अच्छे से पूरा कंट्रोल मिल जाएंगे, ऑटो पावर ऑटो अप डाउन के चारों विंडो है, सेम मारुति का कंसोल जैसे होता है। और ये अपने ORVM को सेट करने के लिए उसमें साइड में यहीं से आप अपने डोर ओपन करोगे, ये अपना कोई स्टार्ट बटन ऑन करने के लिए। उसके नीचे आपको HUD डिस्प्ले मिलती है जो आपको यहाँ मिलती है, HUD डिस्प्ले के बगल में आपको ये अपना एम्बिएंट लाइट को अप डाउन करने के लिए 360 व्यू के लिए अपने हाइट लाइटिंग स्विच। और ऐसा कुछ इसका स्टेयरिंग ऐसा कुछ है जिसमें आपको है ना सामने यहाँ पे है ना या इंफोटेनमेंट का कंट्रोल, साइड में आपको क्रूज कंट्रोल, बीच में हॉर्न है और यहीं से आप अपना कॉल पिक कर सकते हो। इसका ये आपका स्पीडोमीटर अभी ऑन नहीं है क्योंकि उसकी चाबी नहीं है, क्योंकि ये डिस्प्ले पीस है। और उसके जैसे सामने इनका 9 इंच का डिस्प्ले है, इसके अंदर आपको 360 कैमरा पूरा मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई टाइम नहीं है, ये अपने AC वेंट बीच में हज़ार लाइट का बटन यहीं से। और ये ऑटोमेटिक है जैसे कि इसमें आप देखते हैं, इसमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है ऑटोमेटिक, जो अगर आप इसमें ऑल व्हील ड्राइव में जाते हो तो आपको मैनुअल जाना पड़ेगा। यहीं पे आपको USB+ 12 वॉट का सॉकेट मिलता है और यहीं पे आपका वायरलेस चार्जिंग और ये अपने वेंटिलेटेड के सीट के बटन यहाँ से मिलते हैं आपको। और ड्राइव मोड और EV मोड यहीं से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये अपना हैंड ब्रेक और ये अपना हैंड रेस्ट के नीचे कुछ स्पेस है इतना कुछ, और ये बोतल होल्डर दो। और ये अपना सनरूफ के कुछ बटन हैं, यहाँ से अपने इसकी लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये अपनी सनरूफ है और सनरूफ थोड़ी छोटी है क्रेटा के मुकाबले, और बस अंदर इतना कुछ है। बाहर चलते हैं भाई। तो भाई ऐसा कुछ कर रियर साइड पैसेंजर डोर है, इसके अंदर बैठते हैं और ऐसा कुछ आपको अंदर बैठने के बाद इतना उसको स्पेस मिलेगा उसमें जैसे क्या। और ये आपका कुछ ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स बहुत छोटा है, छोटा मतलब इतना भी छोटा नहीं है, मतलब डिसेंट साइज है, पर यहाँ पर इतनी बड़ी गाड़ी के साथ छोटा है। और यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच भी मिलेगा, मतलब है प्लास्टिक है पर उसको फिनिशिंग ऐसी करेगी जैसे कि वो थोड़ा है, मतलब सॉफ्ट टच है, पर सॉफ्ट टच आपको सारे डोर पे यहीं मिलेगा। सामने आपको इसमें वैनिटी मिरर है लाइट के साथ में, और ये अपने सनरूफ के बता दिए मैंने, वो साइड से देखने में कुछ ऐसा लग रहा है आपको देखने में पूरा। इसके आगे कुछ डैशबोर्ड मतलब ठीक ठाक है, सॉफ्ट टच तो नहीं है, हार्ड प्लास्टिक बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे एयरबैग दे रखा है और अपना यहाँ कुछ ऐसा कुछ है, यहाँ पे दो बोतल रख सकते हो। और अपने ड्राइवर साइड में भी यहाँ पे भी 1 लीटर की बोतल रखते हो, हम कुछ स्पेस बच जाता है जो छोटा मोटा कुछ रखना चाहे रखते हैं यहाँ पे अपने पॉइंट वगैरह रखने के लिए। और इसमें यहाँ पे भी गर्म हैंडल है, ये अपने सॉफ्ट क्लोज के साथ में आते हैं, रियर व्यू मिरर ऑटो मिलता है। चलो ये तो अच्छी बात कर दी, पिछली बार ऑटो नहीं आना था। तो भाई एक बार दोबारा देखो गाड़ी का पीछे का लुक देखो कितना है। टॉप मॉडल भी है इसमें, चार मॉडल आते हैं EV, G और S, इसमें टॉप मॉडल है। और जिसमें आप जो टोयोटा इंजन मिलता है ना वो आपको मिलेगा 1.3 लीटर वाला, जिसमें आपको पावर मिलती है 112 PS की, और टॉर का भी कंफर्म नहीं होगा, मैं उसको स्क्रीन पे लगा दूंगा। उसके अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव नहीं मिलेगा, ऑल व्हील ड्राइव आपका मारुति के सीरीज में जो 1.4 CC का इंजन है, इसमें 102 BHP की पावर, 135 Nm का टॉर्क है, उसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव मैनुअल मिलेगा। ऑटोमेटिक में मैनुअल इसमें सॉरी क्या बोलो ऑटोमेटिक में आपको ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव लेना था आपको मैनुअल लेना पड़ेगा, और वो भी मारुति का इंजन वाला लेना पड़ेगा। और आपकी हेडलाइट जिसमें हेडलाइट कितना शानदार लग रही है, जिसकी आपकी सी कट वाली लाइन है ना, इसका लुक है ना बहुत शानदार है, पर पीछे बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। तो भाई ये है कुछ अर्बन क्रूजर हाई ड्राइव की वीडियो, जितनी वीडियो बना सका था मैं उतनी बना दी। भाई देख सकते कितनी भीड़ हो रही है इसमें, जितना हो सका उतना शूट किया, जितना हो सका जितना मोटा मोटा बता रहा उतना बता दिया, कि भाई प्रॉपर वीडियो तो भाई तभी आएगी जब ये व्हीकल हमको टेस्ट ड्राइव के लिए मिलेगा, जब हम चला के देखें तभी कुछ बता पाएंगे। और जब शांति होगी यहाँ पर, शांति नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं है, जितना हो सका उतना बताया मैंने, और अगर छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी। अगर वीडियो पसंद आई तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई जरूर आए चैनल पर। और अगर कोशिश करते हैं जब इसके अगस्त में टेस्ट ड्राइव आएगी, तो अगस्त में एक नया उसका मतलब प्रॉपर एक ढंग से 1-1.5 घंटे इसकी टेस्ट ड्राइव लेके 10-20-100 किलोमीटर चला के बताएंगे क्या क्या फीचर है क्या नहीं है। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आई तो भाई दोबारा बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।